شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى. इसलिए आपको जिन साथियों को अल्लाह ने गुंजाइश दी है आप ये कि मौलवी के सामने मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद ये छुपाता है, तू कुछ छुपा करके पेश करेगा, मौलवी कहता है तुझ पे कुर्बानी नहीं है, तो उस मौलवी से कुछ भी नहीं होगा, रब जानता है कि तेरे पास कितना है। इसलिए जिन साथियों के पास गुंजाइश है वो अभी से अल्लाह का भला करिए कि कोशिश कर ले ज़्यादा, जैसे कि 36 लाख का बड़ा जानवर एक आ गए नुमाइश के लिए, 36 लाख, 40 लाख का जानवर, बकरा तीन लाख के, जैसे अखबारों में, बाबा इसकी ज़रूरत नहीं है, बकरा हो एक साल का हो, अल्लाह आपका भला करिए कि कुछ तकड़ा हो, बस ले लो सुन्नत अदा, जो आपकी तौफीक है नुमाइश के लिए कि जी 4 लाख का ये बकरा हमने खरीद लिया, नुमाइश के लिए गाय खरीद, ये 36 लाख की गाय, इसकी ज़रूरत क्या है। और फिर उसके घर के बाहर ये है कि उनको खड़ा कर देते हैं, लोग आकर के देख रहे हैं, और एक बकरा है उसके 4 सींगे, 2 सींग ही तो होते हैं ना, आज अखबार में आया कोरोना की वजह से इस साल तुम लोगों को मुबारक हो, एक बकरा उसके 4 सींगे और 3 लाख रुपए उसकी कीमत, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह ने आपको गुंजाइश दी है, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ने गुंजाइश दी है फिर भी कुर्बानी नहीं करता, फ़ला यकरबन्ना मसाजिदना, फिर वो ईदगाह में मस्जिदों में ना आ जाए।